एवरीवन, लेट अस डिस्कस द लेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये पार्ट 10 है। पिछले पार्ट 9 में हम लोगों ने बात किया था जनरेटर के बारे में, ठीक है। जनरेटर है क्या, इसका कौन सा प्रिंसिपल है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो जस्ट समराइज है, ओके। जनरेटर क्या है, एक मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसमें जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जब भी किसी रेक्टेंगुलर क्वाइल को आप क्या करते हैं, मैग्नेट के बीच में रोटेट करते हैं, तो उसके मतलब उसका रिजल्ट स्वरूप क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। तो उसके पीछे था क्या, किसका प्रिंसिपल था, तो आप जानते थे कि ये फराडे का प्रिंसिपल था, ठीक है। और एस्टेड आकर के बता दिए कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, देन अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट बहना शुरू होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ए ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन फराडे जो क्या है, कॉन्सेप्ट ही चेंज किए है ना। वो क्या किए कि जब वायर में तार पास करा करके करंट उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्यों नहीं मैग्नेट के जरिए हम वायर में करंट उत्पन्न करे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। आज जो कल मैंने एक टॉपिक जो चर्चा किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर, और उस जनरेटर में मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, तो कन्वर्ट कर देता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ए जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है दो प्रकार के हैं, एक का नाम है एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर, और नंबर टू का नाम है डीसी जनरेटर। एसी बता रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में, यहाँ पे यानी पोलारिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ डीसी जनरेटर नो रिवर्स है ना, यहाँ पे कोई रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नो रिवर्स यानी कि वो फिक्स रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रिवर्स करता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये इसके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम ऑलरेडी चर्चा किए थे कि जब भी मतलब कोई क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो करंट इंड्यूस होता है, और ए करंट जो इंड्यूस होता है इसका जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं जो नियम है उसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जो इंड्यूस करंट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, और इसी बेसिस पे उसका प्रिंसिपल था, ठीक है, जिससे हम फाइंड करते थे। कंस्ट्रक्शन के केस में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैग्नेट चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट की जरूरत है। दूसरी बात, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल जो कि एबीसीडी क्वाइल हो गया, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी के केस में हमें जो जरूरत है वो है स्लिप रिंग, टू स्लिप रिंग, याद रखेंगे स्लिप रिंग, ठीक है। जबकि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, मैंने जो लेक्चर बना हुआ आप देख सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जब हम डिस्कस किए थे तो उसमें बताया थे स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिया गया है, टू स्लिप रिंग, ठीक है, दो को स्लिप रिंग लिया गया है, समझ रहे हैं बात को। और इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, कार्बन ब्रशेस हो गया, ठीक है, कार्बन ब्रशेस हो गया, वो क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किट में मतलब कि वह स्लिप रिंग में अटैच होता है, जहां से आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्किट के लिए करंट को क्या आउटपुट देता है, वो करंट वहां से उत्पन्न हुआ आप बाहर के लिए मतलब कोई भी अप्लायंसेज रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ए था ऑल अबाउट है ना लास्ट लेक्चर। नाउ लेट अस डिस्कस इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट
वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, आप जानते हैं कि दोनों साइड में मैग्नेट रखा जाता है, नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, ठीक है बिल्कुल, एकदम स्ट्रेट वाइज समझिए। उसके बाद इसके बारे में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या पैरेललोग्राम शेप का जिस प्रकार से रहता है, ठीक है, और क्या है फिर एक स्लिप रिंग यहाँ पे, ठीक है, और एक इससे इस प्रकार से बना लिए, और यहाँ पे मान लीजिए है ना ब्रश, ठीक है, और एक यहाँ पे इसका ब्रश होगा, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये दोनों आपका स्लिप रिंग है। तो सबसे पहली बात आप गौर करेंगे कि जब भी किसी भी क्षेत्र में अगर मैग्नेट को हम रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओपन होता है, क्यों होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं तो वो टूटे से है, अगर इसका अगर सही बात सही मायने में रखा जाए तो ये इस प्रकार से रहेगा, जब स्टार्टिंग में है ना एक खड़ा टाइप के रहेगा, ठीक है ना, और जेंटर तो हम लेकर के चल रहे हैं लेकिन कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेवलप होता है कहां से, जो नॉर्थ से निकल के साउथ पे ही होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है आज जब क्या करेंगे कि आप क्लॉक वाइज में इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, तो जब इसको हल्का भी रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी क्या है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉन्स्टेंट है ना, जब एक पोजीशन में है अपना तो कॉन्स्टेंट है, कोई अदला बदली नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही क्या करेंगे है ना इसकी क्वाइल को रोटेट करवाइएगा विद हेल्प ऑफ हैंडल, है ना, जनरेटर में देखिए ना हैंडल होता है, ठीक है, हैंडल लगा कर उसको रोटेट करते हैं एक्सल को, तो आप जैसे ही रोटेट करना शुरू करेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरचेंज मतलब चेंज करेगा, बदलना शुरू होगा, और जब बदलेगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा और फिर इंड्यूस करंट मतलब हम उत्पन्न होगा उसको हम निकाल सकते हैं किसके जरिए, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है ना, राइट हैंड रूल के जरिए हम निकालेंगे उसका डायरेक्शन। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां तो ऑलरेडी डेवलप होता है, तो देखिए यहां पे सिंपल भाषा में हम लिखे हैं द क्वाइल एबीसीडी रोटेटेड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो क्वाइल है एबीसीडी उसको हम क्या करते हैं रोटेट करते हैं कौन से डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन के केस में रोटेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से जैसे सपोज दैट आर एबी पे फिर सीडी पे इस प्रकार से यहां से रोटेट कराने के लिए, ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि जो इंड्यूस करंट सेटअप होगा तो ऑलरेडी हम जानते हैं किसके नियम से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से हमें पता है क्या कि जब है ना हम अपना फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को क्या करेंगे स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार की तीनों मैचुअली पर पेंडिकुलर होना चाहिए, तो फोर फिंगर जो हमारा देगा वो क्या बताएगा, तो फोर फिंगर आपका देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब जो है आपका जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो मिडिल फिंगर जो है आपका है ना यानी सेंटर फिंगर जो है आपका वो क्या देगा, तो डायरेक्शन देगा इंड्यूस करेंट का, ठीक है, इंड्यूस करेंट का, ठीक है, मतलब कहां पे करेंट उत्पन्न हो रहा है इसका डायरेक्शन देता है आपका कौन, मिडिल फिंगर आपका देगा, ठीक है, ये है आपका मिडिल फिंगर। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही हम क्लॉक वाइज में एबीसीडी क्वाइल को रोटेट करना शुरू करते हैं और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, इंड्यूस करंट सेटअप इन दीज आर अलोंग द डायरेक्शन एबी एंड सीडी, तो एबी के डायरेक्शन में और सीडी के डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट सेटअप हो रहा है, तो जो कि और यहाँ पे जो डायरेक्शन हो गया करंट का वो कहां से कहां हो गया, तो देखिए एबी से सीडी की ओर जा रहा है, एबी से सीडी के तरफ, ठीक है, यानी कि तो एडी निकल रहे यहां से या यहां पे हो गया बी टू या यहाँ पे बी वन, तो यहां जो डायरेक्शन हो गया करंट का, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू टू बी वन, ठीक है। तो ये तो हुआ हाफ रोटेशन के बाद, अब केस करेंगे दूसरा केस लेकर के चलते हैं कि जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, फील्ड को बीच में स्ट्रेट हो जाएगा वहां पर, तो वहां पे क्या होगा कि कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो उस समय के लिए फिर क्या होगा कि वो सेटअप होगा, मतलब कि कोई वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, इनकेस जब ये मतलब कि अस्ट्रेट पोजिशन में आ जाएगा तब तो। लेकिन फिर जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा ये हॉरिजेंटल फॉर्म में आ जाएगा, तब कह रहा है आफ्टर हाफ रोटेशन आर्म सीडी स्टार्ट मूविंग अप, अब ये रिवर्स हो गया, सीडी क्या हो गया है ना ऊपर की ओर आ जाएगा, इधर हो गया सीडी फिर आ गया यहाँ पे एबी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आना शुरू होगा तब क्या कर रहा है एबी मूविंग डाउन, एबी जो है नीचे की ओर और सीडी जो है वो ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पे क्या था एबी ऊपर की ओर सीडी नीचे की ओर, ठीक है। तो देखिये आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद सीडी स्टार्ट मूविंग अप, सीडी ऊपर की ओर जा रहा है और एबी क्या कर रहा है मूविंग डाउन, एज द रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट इन द बोथ आर्म्स चेंजेस, यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है और टोटल जो इंड्यूस करेंट है वो डीसीबीए के डायरेक्शन में आ गया, जबकि यहाँ था एबीसीडी के डायरेक्शन में और यहाँ आ गया डीसीबीए के डायरेक्शन में, और यहाँ जो करेंट फ्लो हो रहा है B1 टू B2, अतः हम देख रहे हैं कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंजेस है ना, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है डायरेक्शन ऑफ करेंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करेंट चेंजेस है ना, मतलब क्या हो रहा है डायरेक्शन जो है करेंट का वो बदल रहा है, तो इसीलिए इस मशीन का जो नाम है वो होता है एसी करेंट जनरेटर, माने अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करेंट उत्पन्न करता है, इस प्रकार से पोलैरिटी इसका रिवर्स करते रहता है और ये कंटिन्यू करता है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, एकदम आसान है, सिमिलर टू सिटर, यहाँ पे क्या है कि मेन जो डिफरेंस होता है एसी एंड डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर के केस में हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीसी में स्प्लिट रिंग का है ना, स्प्लिट टूटा हुआ है ना, बटा हुआ, ठीक है, दो अलग अलग सेपरेट, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव वाला जो है वो हमेशा एक ही के साथ लिंक रहेगा और नेगेटिव का जो है वो हमेशा एक ही के साथ रहेगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए इसका सिंपल, सबसे पहले बता रहा है यहाँ पे लेड द कॉइल एबीसीडी इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसे इस प्रकार से हमें बड़ा रोल सेट में है अपना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वेन इट इज रोटेटेड क्लॉक वाइज, जब क्लॉक वाइज आप रोटेट करते हैं देन सीडी मूव्स डाउन, है ना, सीडी क्या है नीचे की ओर आ रहा है और ये क्या है एबी क्या है ऊपर की ओर आ रहा है ना, इससे तो क्लॉक वाइज बताएंगे तो सीडी क्या है वो दबता हुआ नजर आ रहा है और एबी क्या है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एबी अपवर्ड ड्यू टू द मोशन इन द क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है क्या कि जब देखिए अब क्या हो रहा है क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा क्योंकि ए रोटेट करना शुरू हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी इंड्यूस करेंट उत्पन्न होगा, जब रूल लगाएंगे आप, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो उत्पन्न हो ही रहा है, ठीक है। नंबर टू, आप फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, क्वाइल पे तो फोर्स लगा रहे तभी तो ये रोटेट कर रहा है, तो फोर्स लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाइए टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, है ना, इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है देखिए लेटर लेट द क्वाइल एबीसीडी इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मान के चलते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, देन इट इज रोटेटेड इन क्लॉक वाइज, जब इसको क्लॉक वाइज में हम रोटेट करते हैं सीडी मूव डाउनवर्ड, सीडी जो है वो नीचे की ओर आ रहा है और एबी ऊपर की ओर आ रहा है, फिर कह रहा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्वाइल मोशन इन द क्वाइल, क्वाइल में जो मोशन आया उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और सॉरी इंड्यूस करेंट इज प्रोड्यूस इन द क्वाइल फ्रॉम सी टू डी, और यहाँ पे जो इंड्यूस करेंट उत्पन्न हो रहा है वो सी से डी है एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना, यहाँ जो बी टू जो ब्रश है वो पॉजिटिव टर्मिनल को, कार्बन जो ब्रश है ना B2 ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और B1 जो है वो नेगेटिव को, देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन द आर्म ऑफ क्वाइल इंटरचेंज, अब यदि जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तब क्या होगा इंटरचेंज कर जाएगा और जब इंटरचेंज करेगा तो एबी जो है वो राइट में मतलब आ गया और सीडी जो है वो लेफ्ट चला गया, ठीक है। तो हाफ रोटेशन कहां से कहां होगा तब बी टू ए, यहाँ जो हाफ रोटेशन है वो बी टू ए है, जबकि इन केस ऑफ है ना फर्स्ट वाला में हम लोगों ने देखा था कि वो सी टू डी था, हाफ रिंग्स R1 एंड R2 रोटेट विद क्वाइल एंड टच द टू कार्बन ब्रश B2
B1 एंड B2 वन बाय वन, मतलब जब हाफ जो रिंग है आर्गन ऑफ R2 वो भी कंटिन्यू रोटेट करता है कॉइल के साथ और टच करता है किसको, कार्बन ब्रश B1 एंड B2 को वन बाय वन। एज द रिजल्ट कार्बन ब्रश कंटिन्यू टू हैव सेम पोलैरिटी और इसके वजह से क्या होता है कि वही दोनों मतलब कि स्प्लिट रिंग जो है वो वही दोनों ब्रश को बार बार टच करता है अतः उसका पोलैरिटी सेम रहता है। सो इट पोल्यूट्स द डायरेक्ट करंट, देख रहे हैं, सिंस द करंट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो रहा है वो वही दोनों पोलैरिटी यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव, यानी B2 जो है हमेशा पॉजिटिव शो कर रहा है, B1 जो है हमेशा नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ जनरेटर। थैंक यू।